सिर्फ आम लड़कियों को ही नहीं तैयारी के साथ घर से बाहर निकलना पड़ता है, बल्कि एक्ट्रेसेस को भी माहौल देखकर घर से निकलना पड़ता है, लोगों की नजरों से बचना पड़ता है। और जब उनके साथ कोई ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो उनका भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके साथ बाहर या सड़क पर बदतमीजी नहीं हुई, बल्कि देवताओं की जगह मंदिर में बदतमीजी की गई। जी हाँ, बात एक्ट्रेस आशिका गोडिया की कर रहे हैं, जो नागिन लागी तुझसे लगन और बिग बॉस 6 में नजर आ चुकी हैं। आशिका ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए। वैसे तो आशिका अपनी फिटनेस और योगा को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर छाई रहती है, और इससे भी ज़्यादा वो अपने लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप को लेकर। आशिका ने खुद बताया था कि जब वो छोटी थी तो मंदिर गई थी और वहाँ उनके साथ बदतमीजी की गई थी। आज लड़कियाँ मीटू पर बात करती हैं, मैं किसे अपना मीटू बताऊँ? आशिका ने कहा कि मैंने तो बचपन की बात छोड़ ही दी, जब स्कूल जाना शुरू किया तो स्कूल में स्कर्ट में झांकना शुरू करते थे लड़के। घर आकर बताया तो माता पिता ने बच्चा समझकर जाने दिया। कॉलेज गई तो वहाँ भी लोगों ने भक्ति का पाठ पढ़ाया, लेकिन वहाँ भी ऐसा हादसा हुआ कि हर किसी से विश्वास उठ गया। आशिका ने कहा कि जब मंदिर जैसे स्थान पर ऐसा काम हो सकता है तो उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। आशिका ने कहा कि इतने करियर में कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। आपको बताते हैं, आशिका 2006 में एक्टर रोहित बख्शी को डेट कर रही थी और 10 साल बाद इनके रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। फिर 2016 में आशिका ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया और 2017 में आशिका ने ब्रेंड गोवल से शादी कर ली। आशिका और ब्रेंड एक साथ नचवलिए शो में भी नजर आ चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान दोनों बीच पर मस्ती करते हुए दिखाई दिए थे। मेरा न्यूज रिपोर्ट।